पिछले कई सालों से खेल कूद में हमने बहुत अच्छा किया, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इस बार भी हमने 100 मेडल, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ और मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहीं से सारे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करके बाहर निकलते हैं। मैं खुद ही एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश का जो 100 का एम था, हमने उसको भी पार किया, 107 तक पहुंच गए। और पिछली बार हमारे 70 मेडल थे, इस बार 37 और बढ़े हैं। तो मैं चाहता हूं अगली बार हम इसको 200 का आंकड़ा जो है अपना लेकर चलें और वो 200 को भी क्रॉस करें। तो मेरे को उम्मीद है कि हमारे हमारे देश में ऐसा प्रतिनिधित्व हमें मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में, जिन्होंने सारे खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। कोई भी सीमा नहीं है, कोई खिलाड़ी को अच्छे से अच्छा कोच, अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छा उनको खाना पीना, तो ऐसा हमारे हमारी भारत सरकार ने किया है। तो ये एक अपना लीडरशिप की भी बात होती है और मैं सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपने को आगे ले जाए स्वच्छ भारत, आज हमारा एकल रन भी एक इको फ्रेंडली रन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एकल संस्था जो कार्य कर रही है, शायद मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी संस्था कोई दूसरा कार्य कर रही हो जो जो हमारे देश के गांव में आदिवासी इलाकों में जाकर बच्चों को पढ़ाना। देश में 6 लाख गांव हैं, उसमें से 1 लाख गांव में एकल संस्था अकेले पहुंच गई है। तो जहां पर कोई भी सरकारें नहीं पहुंच पाई, वहां पे एकल संस्था का पहुंच जाना इतने कम समय में, वो केवल इनकी निष्ठा, इनका परिश्रम, यही कारण है। तो बस मैं आपके चैनल से और लोगों से अपील करता हूं कि वो भी एकल संस्था के साथ में जुड़ें, ताकि हम ये 6 लाख गांव में पहुंचने का लक्ष्य को पूरा हो, देश का हर बच्चा वो अपना शिक्षित हो, वो तो ही हमारा देश अपना विकसित हो पाएगा। अच्छा, आप एक यूथ आइकन है, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे आज इस स्पेशल डे पर? मैं सारे यूथ को यही कहना चाहता हूं कि वो अच्छा खाएं पिएं, वो कोई तंबाकू, शराब, इन सब का सेवन ना करें और वो दूध पिए, घी खाएं और अच्छा सब्जी खाएं, ताकि आप जो है अच्छे फिट रहेंगे। ये शराब और ये सारा नशा करना, ये हमारे शरीर को नुकसान करता है, हमारे परिवार को नुकसान करता है, हमारे देश को नुकसान करता है। तो हम अच्छी आदतें अपना ग्रहण करें, यही आज का संदेश हमें लेके जाना चाहिए।